नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों जहां जनता का दिल जीत रहे हैं, वहीं बीजेपी को डरा रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव भी है। ऐसे में बीजेपी का सारा प्लान फेल हो रहा है, क्योंकि माहौल राहुल गांधी के पक्ष में बन रहा है। इसी बीच राहुल गांधी पर एक डीएम ने ऐसा बयान दे दिया है कि इस वक्त बवाल मचा हुआ है। ऐसा बवाल की बात FIR तक पहुंच गई है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मामला नोएडा के जिलाधिकारी मनीष वर्मा को लेकर है। कहा जा रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी पर विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। हुआ कुछ यूं कि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो पीएम नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक हमला बोलती नजर आ रही है। इसी पर गौतम बुद्ध नगर के डीएम मनीष वर्मा ने ऑफिशियल अकाउंट से कमेंट करते हुए लिखा, अरे तुम अपनी और अपने पप्पू के बारे में सोचो। इसी कमेंट पर बवाल मच गया। इस पर सुप्रिया श्रीनेत की जब नजर पड़ी तो उन्होंने भड़कते हुए लिखा, ये डीएम नोएडा के है, पूरे जिले की जिम्मेदारी है। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी के बारे में इनकी भाषा और विचार जरूर देखे जाए। साफ है प्रशासनिक अमले में संघियों की भरमार है और अब तो संवैधानिक पद पर बैठकर नफरत को हवा दे रहे हैं। वहीं इस पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी भड़की है। उन्होंने लिखा, और बिकाऊ सरकारी डीएम के उस आपत्तिजनक ट्वीट को पढ़ने के बाद सलाम है सुप्रिया श्रीनेत को, उन्हें वो नरक देने के लिए जिसके वे हकदार हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस पर लिखा, क्या भाजपा के शासन में अब IAS अधिकारियों को इस तरह की राजनीतिक टिप्पणियां करने का आदेश हुआ है। लेकिन अब जब मामला बढ़ता गया तो इसके बाद गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट ने एक स्पष्टीकरण जारी किया। पोस्ट में लिखा गया, किसी असामाजिक तत्व ने डीएम गौतम बुद्ध नगर की ID का दुरुपयोग किया है और गलत टिप्पणी पोस्ट की है। इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है और गलत ट्वीट टिप्पणी की साइबर सेल द्वारा जांच की जा रही है। यानी कहा जा रहा है कि डीएम ने ऐसा नहीं किया, जबकि उनकी ID का दुरुपयोग किया गया था और FIR दर्ज कराई गई है। तो कुछ इस तरह से राहुल गांधी पर वायरल कमेंट की वजह से नोएडा के जिलाधिकारी DM मनीष वर्मा फंसते नजर आ रहे हैं। वही इसके बारे में सफाई भी दे दी गई है, लेकिन उन पर सवाल उठ रहे हैं। अब बात करें राहुल गांधी की तो अभी वो खूब चर्चा में है। जिस तरह से वो जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं, लोगों को वो बहुत पसंद आ रहा है। अभी हाल फिलहाल ही उन्होंने सैलून की दुकान चलाने वाले मिथुन के लिए सैलून का कुछ सामान भेजा था। सैलून से जुड़ा सामान पाकर मिथुन बहुत खुश नजर आए थे, इसकी भी खूब चर्चा हुई थी। बता दें 13 मई को राहुल गांधी की बैसवारा इंटर कॉलेज खेल मैदान में जनसभा हुई थी। वहां से लौटते वक्त राहुल ने मिथुन की ही दुकान पर दाढ़ी बनवाई थी और बाल कटवाए थे। फिलहाल जिस तरह से राहुल गांधी पर डीएम के विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।